आज हम लोग जा रहे हैं ड्राई पिकनिक करने के लिए। लोग करते होंगे दारू की पार्टी, हम करते चाय की पार्टी। चाय वाला, चाय वाला मेंशन लोगों ने, चाय वाला। आज हम लोग नागा ट्रेडिशनल बैम्बू पे बना के खाने वाले चिकन। ये रहा चिकन, चिकन मैरिनेट करके इसमें डाल के इसको ऊपर से बंद करके लगाने वाले आग पे। ठीक, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वाटर। सो ओ माय गॉड, सो ये ढक्कन लगा रहे। ठीक है, हम लोग ढक्कन इस बनाना ली। कहाँ पर मासून इसको भी भाई रे? देखो अभी अभी बनेगा हमारा बाट। सब्जी इधर बन के रेडी है। सो गाइस, ये बहुत ही काला था, अभी थोड़ा धीरे धीरे ये गोरा बन रहा है। दिलों पर आने मेरे ठीक से। वाओ, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द व्लॉग। आप सभी का स्वागत है नए वाले व्लॉग में। सो आज हम लोग जा रहे हैं ड्राई पिकनिक करने के लिए, जैसे कि मैं कल वाला वीडियो में बताया था। और अभी हम लोग सिर्फ चार बंदे जा रहे हैं पिकनिक, ऐसे पिकनिक जैसा, बहुत दिन के बाद लाइक गेट टुगेदर चार बंदे का। ठीक है, सो अभी हम दोनों इधर है, दो ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, तो जाने वाले हैं, लेकिन डेस्टिनेशन कोई भी पता नहीं है हम लोग का। ठीक है, अभी तक जस्ट रैंडमली जहाँ अच्छा मिलेगा हम लोग को मतलब लोकेशन, वहीं पर हम लोग रहने वाले, वहीं पे एंजॉय करने वाले। ठीक है, सो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से। ठीक है, सो हमारा इंतजाम कुछ ऐसा है, लकड़ी वगैरह हम लोग घर से लेके जा रहे हैं, ताकि उधर मतलब बारिश दिया था ना, तो वो उधर का भीजा भीजा रहेगा, तो इधर से लेके जा रहे हैं थोड़ा बहुत। चलो अभी निकलते हैं हमारे डेस्टिनेशन की ओर, अननोन डेस्टिनेशन, अनप्लान डेस्टिनेशन। ठीक है, आवाज तो नहीं आ रहा होगा। हम लोग एकदम ही अननोन डेस्टिनेशन जा रहे हैं। ठीक है, ये रास्ता कभी आए भी नहीं थे हम लोग, और कभी आज तक कभी प्लान भी नहीं हुआ था। ये थे यो, कंफ्यूज छु अंतला के सो, देखो तेला के सो दिस। मला तो भय पापला दे, निसा जा बेस। लोग करते होंगे दारू की पार्टी, हम करते चाय की पार्टी। अब आना दे, ए छोटे जल्दी आ, चाय वाला भाई, चाय वाला, चाय वाला मेंशन लोगों ने, चाय वाला मोदी है। हम लोग डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। ये रहा, मतलब मैं कभी आया नहीं था, आया था मैं पहले भी, आया था मैं आते जाता हूं, मैं कभी पहले आया नहीं था, अच्छा लगा। लेकिन साफ सुथरा तो है नहीं, क्योंकि ये हमारा इंडिया है, कभी साफ होने को मांगता ही नहीं है। जब भी मांगता है तेतरा होने का मांगता है, साफ होने का भी मन नहीं मांगता। मोदी वीडियो टेक डाउन कर दे रे कला वसी बाबा को, इंडिया की गंदा है बंदे। मैंने सोचा नहीं क्यों गंदा है, तब मैं भंजू नहीं, क्योंकि हमारे जनता चाहती है साफ करना, कभी चाहते ही नहीं। किसान साफ करेगा, जनता चाहती है कि गंदा हो सर। अरे तो थी ना, तो थी ना, तो देवसी को पिकनिक नहीं किसारे मनीष दा मो अनि दा आकाश आकाश सुनर हम तीन जना वाला जति जति हामीले खाको लेत्रा थियो त्यो त उठाए उठाए जति पहिलेको लेत्रा थियो त्यो सबै उठाएको पुरा साफ गरेर आइदियो तीन जनाले एकदम पिङ खानु भएको यसो लेत्रा मा जति जान म अन्ना म त्यही तिमीले। अरे यस्तो के लास्ट टाइम हामीले हेर पापु, हामीले लास्ट टाइम त गर्न खोजे नि जुन चाहिँ क्लीननेस को झगडा भयो यार फर्स्ट दिनमै किन भयो अब त्यो एकजनासँग कमिटीको मान्छेसँग। अनि त्यहाँबाट अब त्यस्तो फास्ट दिनमै त्यस्तो भएपछि केटाहरू झन् मन डाउन भइहाल्छ होइन, अनि म फेरि पनि प्लान गर्दैछु अब यो मार्चको सबैको एक्जाम खत्तम भइसकेको बादमा एकचोटि गरौँ भनेर। अब केटाहरू निस्किन्छ मलाई, अब उनीहरूले पो मलाई भन्नुपर्छ त गरौँ भनेर, मैले सधैँ भने त मेरो उस्तादी देखायो भन्छ नि त होइन मलाई, हेरौँ भयो भने एकचोटि गर्ने राम्रो टाइपले एकदम क्याम्पिङ गर्ने टाइपको गरिदिने भनेको के भन्छ। अब पिकेचुहरू पनि बनाएको छ यहाँ, ड्रइङ थियो पहिला, यहाँ पिकाचु थियो, यहाँ टम एन्ड जेरी बनाएको थियो। गाइस आज हम लोग नागा ट्रेडिसनल बैम्बू पे बना के खाने वाले चिकन। ये रहा चिकन, उधर धोने जा रहा है। ठीक है, अरे तो पानी मिनरल वाटर ले धुला तुझे। सो अभी हम लोग बैम्बू पे चिकन बनाने वाले, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैंने ट्राई कभी नहीं किया बैम्बू पे, बनाया हुआ खाया, लेकिन मैं खुद पहली बार बना रहा हूँ। और रोस्ट हमारा
किशन सर बनाने वाले चिकन रोस्ट, ठीक है। तो इधर ये रहा हमारा आज का, ये धोके तो हो चुका है, बस अभी हल्दी लेकर धोना, जितना इसको मैरिनेट करना है, इसको फ्लेवरिक देना है, इसको एक बार धोना जरूरी है क्योंकि इसमें जितना भी गंदगी होगा जो कुछ भी होगा सारा साफ हो जाएगा। हल्दी से वेरी प्योर समथिंग। हमारा फायर वॉक पे आज काम किया है हमारा मिस्टर तामांग ने, जो कि अभी कैमरामैन पे डीओपी कह सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा मैरिनेट करके, चिकन मैरिनेट करके इसमें डाल के इसको ऊपर से बंद करके लगाने वाले आग पे। ग्लास दर कोई नहीं चोर। तेल उठाम कि नहीं उठाए? उठा ना उठा पापा को खटोटी दे। तेरे क्लास में उठे ने जोंगे नाम को ना के ओके गाइस, अभी हम लोग करने जा रहे हैं चिकन मैरिनेट, देखो। और बैम्बू पे डालने वाले, उधर बैम्बू है, ठीक है। और हम लोग ने ये मंगाया ये बनाना का पत्ता, हमारा किशन भाई इधर ऑनियन काटते हुए प्रोफेशन स्टाइल पे। हमारे पापू भाई को देखो, वो मछली ढूंढ रहा है बिना चारा का। ये रोस्ट तक ही भयो जला कता आगो जले त जलो उम्ने जन त छिटो हुन्छ के त्यो गाडी कुत्ता आउँदै छ है। नाइस। अरे पानी त एक ग्लास अभी। सो गाइस अल्ट्रा वाइड माई हम लोग नागा ट्रेडिशनल वे में स्टॉल में आज मेरे चिकन बना रहे, ठीक है, बैम्बू पे। फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट ट्राई, कैसा होगा पता नहीं, बन जाने के बाद दिखाते आप लोग को। वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, बहुत पहली बार कर रहा हूँ मैं ये, पहले बस खाया हूँ जैसे कि मैं बताया पहले थोड़ा देर पहले। अभी थोड़ा पानी भी देते हैं, ये मेरा स्टाइल पे, ठीक है। सो अब इसको हम ढक्कन लगा रहे, ठीक है, ताकि ये अच्छे से पक जाए, इसका हवा ना निकले। हाँ, इसका हवा ना निकले अंदर से बाहर, तो इसलिए इसको ढक्कन लगा रहे हम लोग। ढक्कन जो है ये बोल पत्ता का है, साथी नखान भाई दोस्त जिगरी बाद में देंगे तुम्हें। सो इसको अभी हम लोग डालेंगे यहाँ पे। अच्छा साथी हो इसको ऐसे डालते हैं। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। प्याज ज्यादा हो गया इधर, कोई नहीं। गलत भी हो रहा है तो भी सही हो रहा है क्योंकि हम लोग को पता नहीं, उतना आइडिया है नहीं, सिर्फ खाना हम लोगों को। हाँ, सिर्फ खाना है, नया कुछ ट्राई करना है। सो ट्राई कर रहे और खाना है, बस इतना ही। थोड़ा प्रेशर करना पड़ेगा ताकि ये सब अंदर जाए, एक ही में जाए। वो उधर हम लोग का बैम्बू जल रहा है अभी धीरे धीरे, इसमें गैस भर रहा है अंदर एकदम अच्छी तरह से। फ्लेवर ये हाल दिन मतलब था मैं अलग खाते तला जाओ नो कमेंट गाइस। पारिवारिक ब्लॉग है, हर कोई देखता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, घर पे भी ट्राई करें, अगर
कहीं आउटिंग जा रहे तो प्लीज द इजी वे एंड इजी प्रोसेस टू कुक करी नॉट ओनली चिकन पोर्क मटन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इसको अभी हम लोग लगा देंगे इधर आग में, ठीक है. सो ये पकने के लिए रेडी है अभी, इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग कुक्ड. ओ माय गॉड इट्स सो हॉट. सो हमारा इधर चिकन 65 बन के रेडी है. 50% क्रेडिट गोज टू किशन एंड 50% फॉर मी, 10% फॉर मी ड्यूटी. मैंने किचन डिपार्टमेंट गोज टू मी. और इधर हमारा बैम्बू का वो बन रहा है, लगभग बन चुका है. कहाँ पर मांस सुनिश्चित हुए भाई रे? मैं नीपो को पैन अभी बनेगा हमारा बाट. सब्जी इधर बन के रेडी है, दाल हम लोग ने घर से ही बना के लाया था, ठीक है. मस्त चल रहा है लेकिन म्यूजिक नहीं है, बिना म्यूजिक का, क्योंकि कॉपीराइट लगता है ना वीडियो. सो गाइस ये बैम्बू वाला जो है ये बन के रेडी है अभी. देखो इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो. यस अब देखना पड़ेगा ना, ये थोड़ा बहुत जल गया है. किशन भाई ने नमक नहीं दिया मेरिनेट करते वक्त. ओए व्हाट द हैक इज दिस, धरा त यहाँ त कैमरा धरा त आधी भाँचेर मासु तिन गिरिरहेको गर्छ. फोटोहरू फेरि सबै मैले उता लगिरहेको. ओ यो नि लखाए हात पोल. इसमें लेग पीस मात्र हाल थे कालो खादी न भन जो मजा इस काला में वो सफेद में नहीं है, वो सफेद में नहीं है. वाह वाह चाहे लेत्र खाँच कालो हुनुको पनि मजा छ. बेम्बू कुक बेम्बू सुट बेम्बू सुट. चलो ये रहा आज का चिकन जो हम लोग ने रखा था. क्या खाए हो? के मासु खाए क्या? क्या खाए नहीं? ओ मजा. ये रहा काला हो गया लेकिन कोई बात नहीं. ये देखो आज का चिकन जो हमने बनाया बैम्बू के अंदर, इस बैम्बू के अंदर. कॉन्टेक्ट करिए इस नंबर पे. अगर आप लोग भी कहीं पे जा रहे हैं आउटिंग वगैरह तो इजी प्रोसेस टू कुक करी, ठीक है. तो आप लोग ट्राई कर सकते. ए कैमरा डीओपी डीओपी फोकस. आप लोग ट्राई कर सकते हैं बैम्बू के अंदर, ठीक है. सो अगर डिस्क्रिप्शन में जानना ज्यादा है तो इंस्टाग्राम का लिंक उधर पड़ा हुआ है, जाके फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं. डैम की डैम कर सकते हैं. नमक से हाला था ये इंसान है जो नमक नहीं डाला. इनके वजह से बातें करके मेरे को नमक डालना बुला दिया इन लोगों ने. उसे मेरा क्या गलती? काला पार्ट निकालते थोड़ा बहुत, इसको थोड़ा कुल्ला कुल्ला को बिछड़ते हैं. और डिस्पोजल और छैन हामीसँग. हामीलाई खाना त चावडै चाहिएको धेरै धेरै हैन. धनिया चाहिँ तैले लेइस केमा हाल्नाले? मासुमा नि हाल्न र त. नि 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 यसलाई यता लि एकतिर लि, यसलाई एकतिर लि, यसरी धर अनि निकाल.
सिकाउनु पर्छ सब थोक सिकाउनु पर्छ थैंक यू देवा खाने बेला यी त गर्दैनस् नि त कसले भन्दैछ कसले भन्यो गरिस भने नखा अब त ठुलो सिटीमा बस्ने मान्छे दामी क्याफेमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाने मान्छे अनि खाजा बस्छ के दिस इज मुटु डिसपोइन्टिङ नट इट जति दामी रेस्टुरेन्ट 5 स्टार 10 स्टार खाओ एउटा सबभन्दा ठुलो एक्जाम्पल दिन्छु जस्तो नेपाली बुझामा नेपालीमा भन्छु होइन म दुबईमा थिएँ थाहा छ होला म्याक्सलाई जति पनि भ्युवर्सहरू हेर्दै हुनुहुन्छ दुबईमा बसेर जुन चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स पाएँ किन जुन मजा जुन खाना मैले दुबईमा खाएँ र मेरो कम्पेरिजन टु मेरो घरको खाना 10 गुणा बेटर थियो 10 गुणा 1000 गुणा बेटर थियो किनकि मैले यो कुरा भनेको छुइनँ कतै पनि भनेको छैन अहिलेसम्म भिडियोहरू पनि भनेको थिएन दुईवटा भाटाले समारण मैले दुबईमा लगभग 1 to 1.5 months मैले निमक खान पाएको थिइनँ मतलब दाल भात खानै पाएको थिएन मैले जब म दुबईमा थिएँ तब लगभग एक वर्ष डेढ महिनासम्म दाल भात खान पाएको थिएन अनि त्यो एक्सपिरियन्स त्यो समय म धेरै मिस गर्छु घरमा भएको बेला होइन किनकि जुन त्यहाँको त्यहाँ हुँदाको जुन चाहिँ फिलिङ थियो मलाई खास यहाँ म दाल भात किनेर खान पाएको भए अथवा दाल भात खाना कसले फेक्यो भाइ दाल भात खान पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा सो त्यही भएर अनि कहिले पनि कम्पेयर गर्न हुँदैन घरको खानासँग घरको खाना सधैँ बेस्ट अफ बेस्ट हुन्छ र आफूले बनाएर खाएको त्यो भिन्दै एक्सपिरियन्स हुन्छ भिन्दै मजा हुन्छ अनि बाको थापा अनि म यता ठुलो सिटीमा बस दुबई जस्तो स्टेटमा बसेर पनि युएईको मतलब सबभन्दा ठुलो स्टेटै भनौँ सबभन्दा फेमस अब ग्लोबल फेमस सिटी दुबई बसेर मैले दाल भात खान पाएको थिएन नमक खान पाएको थिएन म खाँदै त केवल पठानी रोटी त्यसको बादमा भुजा होइन भुजिया जुन चाहिँ त्यो बिकाजीवाला आउँथ्यो त्यो एक्चुअली बिकाजीको त पाएन उहाँ अर्कै पाउँथ्यो अफरमा आउँथ्यो 2-3 दिनमा त्यो त्यस्तो किनेर खाएको थिएँ मैले दहीको साथमा दही एउटा एक पको दही 3 दिरम पर्थ्यो त्यस्तो किनेर खान्थेँ सो त्यो एक्सपिरियन्स मसँग धेरै छ एकदमै छुट्टै रमाइलो छ त्यो कुरा आज अचानक निस्क्यो भिडियोमा बात गर्दा गर्दै सो मैले भनिदिएको मतलब कुनै कहीँ पनि मैले कुनै भिडियोमा पनि भनेको त थिएन त्यसरी त सो आज भनिदिएको सो नेभर इग्नोर यो लन्च डिनर केही पनि इग्नोर नगर्नु घरको चाहिँ किनकि तपाईँहरू बाहिर घरबाट बाहिर निस्किसकेपछि त्यो कुराहरू धेरै मिस गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ मैले गरेर मैले एक्सपिरियन्स पाएको छु मसँग त्यसको छुट्टै एक्सपिरियन्स छ के लामो कहानी छ सो हामी यो आज कालो भए पनि मिठो बनेको छ यसमा खालि निमक हालेको छैन अब माथिबाट निमक छड्किँदा भइहाल्छ र हल्का यसलाई मेरिनेट गर्नुपर्छ अलिअलि जस खाने बेला हो दाजु यसरी के यसरी हात यस्तो माग्न जस्तो अलिक यस्तै भयो हाम्रो पिकनिक यसरी नै रमाइलो गर्नु छ हाम्रो भर्खर भात पाकिसकेको छ होइन सो अब एकछिनमा बसेर टक्क खाइन्छ हामी तातो त खाइन्छ र एकछिन बसिन्छ चिल पारेर उता एकदम राम्रो फेसिलिटी छ टोइलेटहरूको पनि छ होइन सो टोइलेट त्यहाँ रेस्ट गर्ने ठाउँ पनि छ पानीको पनि कमी छ होइन यी अनि पिकनिक स्पोट पनि राम्रो छ म फर्स्ट टाइम आएको यता होइन रमाइलो भइरहेछ सो तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ तर लेत्रा चाहिँ नगर्नु होला हामी चाहिँ हामीले गरेको लेत्राहरू सबै सफा गरेर जान्छु तपाईँहरू पनि आउनुभएको छ भने चाहिँ लेत्रा नगर्नु होला त्यही भन्न जान्छु अगर आप लोग आए ए साइड इधर से कैमरामैन डीओपी व्हाट डीओपी मैन यू कैन गो फ्रॉम दिस साइड मैन अगर आप लोग भी आ रहे हो तो प्लीज अच्छी तरीके से साफ करके जाना मतलब इधर उधर पैकेट वगैरह गंदगी मत करना ठीक है सो हम लोग भी जितना हम लोग ने किया है वो सारा साफ करके जाने वाले और फटाफट से अभी खाना वगैरह खाएंगे सब रेडी हो गया बस अभी थोड़ा बहुत मैरिनेट करना है कोरिएंडर डाल के लेमन निछाड़ के ओके उसका आने छे वीडियो में इतना बढ़िया बन के रखा है ना आज का चिकन बन के इधर रखा है देखिए कितना थोड़ा टेस्ट कर रहे लेकिन ये टेस्ट हम दुनिया के हर व्यक्ति को देना चाहते हैं प्लीज ट्राई करें बैम्बू पे बना के खाए आप लोग भी और इसका प्रोसेस जानना है तो प्लीज इंस्टा पे डीएम करें हम बताने के लिए रेडी है आप लोग के लिए ठीक है ये हमारा रेसिपी तो है नहीं लेकिन फिर भी ये जो है बहुत अच्छा बनता है
ओके सो ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं, ठीक है। हम लोग का जो भी रेसिपी वगैरह था सब बन के रेडी है, देखो इधर देख सकते हैं, सब कुछ बन के रेडी है, ठीक है। सो मस्त अभी खाना खाएंगे, चिल चिल तरीका से चिल पा रहा मैं के भ ओए निमु चाहिँ मलाई अलि धेरै हाले ओए इसको खट्टा ज्यादा छोड 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 उयो यो यो छ नि उयो पार्ट मलाई दे त्यो ठुलो वाला चक यो यो सर यो ओ यो को यो वाला म त यो छ सो या और इधर हम लोग का स्लाड है, स्लाड स्लाड देखो 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 दिए पता भागहरु लागि भागर त दाल निकल, इधर दाल लेके आए थे हम लोग। सो गाइस ये बहुत ही काला था, अभी थोड़ा धीरे धीरे गोरा बन रहा है। मैं इसको एकदम चमकदार बना रहा हूँ। भीमबर इसके सामने कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत सैंड लो बलुआ और एक आलू का बोस्ता, उसके बाद भिजो ऐसा। कम क्लोजर डीओपी, नो सिनेमेटिक, ओके यू डू लाइक दिस। कसले भन्छ छोरा मान्छेले छोरी मान्छे काम गर्न सक्दैन भन्छ, भाँडो टल्काउने चक्करमा भाँडै दुलो पर्यो भने चाहिँ तलपट्टि पनि कालै थियो भाँडो, ओ सरी सेतै थियो भाँडो, तलको पार्ट दुलो पढाउने मेरो रिक्स छैन। ओके सो ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे, ठीक है। एंड आई रिकमेंड अगर आप लोग आना चाहते हैं तो मेरे आसपास के दोस्त वगैरह जो भी आना चाहते हैं, अगर आप लोग का प्लान भी बन रहा है तो प्लीज मुझे भी बात कांटेक्ट करना, ठीक है। मैं भी आऊँगा, बहुत ही अच्छा जगह है, मतलब आ सकते हैं, पीसफुल है और वॉशरूम का फैसिलिटी भी है और रेसिंग इधर जगह भी बना के रखा है, ठीक है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो प्लीज आई रिकमेंड आ सकते हैं आप लोग, और लेकिन आके साफ वगैरह करके जाना, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।